बात कर रहा हूँ, बोलो। वो पेमेंट करना था, कॉल आया था आपका दोपहर में। हाँ बताइए कैसे करेंगे। तेरे माँ के चोट में डाल के कर लेना क्या? हाँ मादर चोद, मैंने मैया चुदवाने के लिए फोन किया था, मादर चोद ठंडी के बीच। ये तूने सरदार को, हमारे पगड़ी वाले सरदार को क्या बोला आज? तेरे बहन को भेज दे 3,000, साले 6,000 रुपए की तेरी औकात है? 6,000 में वो काम कर रहा है बहन जो लौड़े की बात को मैं ऐसी कितना भी काम कर रहा हूँ, वो तेरी मैया चोदने में जो बड़ा मजा आता है। इसी प्रकार की कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के लिए और लोन रिकवरी एजेंट की हैरेसमेंट से बचने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। चलिए कॉल रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। अक्षय वर्मा? नहीं, हाँ मैं बोले। अंकित बात कर रहा हूँ, अक्षय वर्मा नहीं बात कर रहा, बोलो। वो पेमेंट करना था, कॉल आया था आपका दोपहर में। हाँ बताइए कैसे करेंगे। तेरे माँ के चोट में डाल के कर लेना क्या? हाँ मादर चोद, मैंने मैया चुदवाने के लिए फोन किया था, मादर चोद रंडी के बीच। ये तूने सरदार को, हमारे पगड़ी वाले सरदार को क्या बोला आज? तेरे बहन को भेज दे 3,000, साले 6,000 रुपए की तेरी औकात है? 6,000 में वो काम कर रहा है बहन जो लौड़े की बात को। मैं ऐसी कितना भी काम कर रहा हूँ, वो तेरी मैया चोदने में जो बड़ा मजा आता 6,000 रुपए में तू है। नाम, तू क्या बोल रहा था? मैं 3,000 लोन चुका दूंगा तेरे बहन को भेज के, तो 6,000 रुपए में काम कर रहा है, कहां से गांड से तू भरेंगे रे पैसे बहन का? हाँ अरे मैं भर लूंगा, तो भेज रहा है क्या ये बताओ। सुनाल के तेरे औकात भी है साले, 200 रुपए रंडी बोझ से काम करता है। मादर चो मतलब रंडी के बीत, भोसड़ी के भोसड़ी के मादर वो चोद, अपनी मैया चुदवा ले इससे, तेरी मतलब बहन को पकड़ के चूनूंगा। और तेज, थोड़ा और तेज, कम ऑन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं तेरी क्या बोल रहा, बहन मेरी फिर बात से सुन। जाएगी। वो छोड़, ओ माय गाली गॉड, वाला ओ माय छोड़, गॉड, मेरी ओ माय काम की गॉड, बात ओ माय सुन। गॉड। हाँ बोल। देख सुन, मेरी बात सुन, वो छोड़ गाली वालों, तो सब तू भी करता है, मैं भी करता हूँ, वो छोड़। बोलो। मेरी बात सुन, देख तू इंडिया में रहता है ठीक है, मेरी बात को समझ, तू इंडिया में रहता है ठीक है, तू एक कंपनी के लिए काम करता है, वो तुझे पेमेंट देती है, चलो ठीक है, तू जब तक वसूली नहीं करेगा वो तुझे पेमेंट कमीशन नहीं देंगे, ये बात भी ठीक है चलो, है ना? लेकिन एक बात बता, गलती से अगर तू पकड़ा गया तो कंपनी हाथ पर कर लेंगी, वो बोलेंगे हमने तो एजेंट को बोला ही नहीं गाली देने का, फंसेगा तू, 6,000 रुपये लेके नौकरी कर रहा है, कंपनी तो बोलेगी हमने इसको बोला ही नहीं गाली देने का, ये खुद ही अपने मन से गाली दे रहे हैं, कंपनी वाले को ढेर बंदे मिल जाएंगे, उसको कोई टेंशन नहीं है, फंसेगा तू। अब तू बोलेगा मैं कैसे फंसूंगा, मेरे पास तो सब डुप्लीकेट नंबर है, मेरी आइडेंटिटी कैसे ना मिलेंगी, है ना? तो हमारे पास में इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है कि हम तेरे को अभी जगह से भी उठा सकते हैं, लेकिन हम क्या सोचते, चलो बेचारा बंदा जॉब करता है उसकी क्या गलती है, ये जो जितना भी मैटर है बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ये क्या करती है, फॉरेन कंट्री से चाइना से पैसा ब्लैक मनी एक्सपोज करती है। एक्सपोज यानी क्या होता है, तो मेरे भाई के जैसा, इसलिए देखो बता रहा मेरे को कुछ नहीं करना है, तू जॉब कर मत कर। तो वो क्या करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। वो क्या करते हैं, एक फाउंडर ढूंढते हैं, फाउंडर बोले तो इंडिया के जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना उनको फाउंडर ढूंढते हैं, फिर ये क्या करते हैं 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ जितनी भी उनको लगाना है वो क्या करते हैं, 10% के हिसाब से उसको हायर कर लेते हैं। तो अच्छा हायर करने का क्या तरीका है मैं बताता हूँ आपको, तो ये डीलिंग करते हैं, सब दिमाग चाइना वालों का है, सिर्फ ये पैसा लगाते हैं उनके नाम से, इंडिया वालों के नाम से ठीक है, इंडिया वालों के नाम से पैसा लगाते, तो ये रहता है ब्लैक मनी, ब्लैक मनी रहता है ना, तो इसको इनको व्हाइट करना है, तो व्हाइट किस तरीके से करेंगे मैं समझाता हूँ आपको। आप जो हमको पैसा भेजते हो ना, जी। तो आप येनो से भेजते हो पैसा, तो वो जो पैसा है वो पैसा आप हमको डोनेट कर रहे हो, आपके जितने भी एप्स लोन कंपनियां हैं 7 दिन और 14 दिन वाली, ये हमको लोन नहीं दे रही है, हमको पैसा डोनेट कर रही है, यानी आप जो भी लिंक से पैसे भेजते हो ना बिल्कुल तो बिल्कुल। ये डोनेट करती है, अंदर का राज आपको नहीं पता, आपको तो सिर्फ एजेंट के लिए रखा है, ये बड़े बड़े जो लोग नहीं रहते नहीं हैं नहीं उन अरे बिल्कुल सही है, लोग, सॉरी ब्रो, अरे सॉरी सॉरी, हाँ गलती हो तो गई ना। कोई बात नहीं ठीक है, हाँ तो वो क्या करते हैं, ये हमको डोनेट कर रहे हैं पैसा, क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। डोनेट कर रहे हैं हमको, क्या है कोर्ट में लेबिलिटी बताना पड़ता है, लेबिलिटी क्या होता है, किस माध्यम से आपने ये बंदे को पैसे दिए, इसको बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर चेक करना है उसके लिए आपको कोर्ट में पूरे वैलिड डॉक्यूमेंट देना पड़ता है,
कि आप कौन से कंपनी से रजिस्टर्ड है, कौन से एमजीएफसी से आप नहीं, इनके पास रजिस्टर्ड कुछ नहीं है। है, ये तो आपको ही पता, मुझे भी पता है। तो ये क्या करती है, ये डोनेट करती है, और आपके जो इनके जो अकाउंट में पैसा जा रहा है ना, जैसे सपोज मैंने 4,000 रुपये लिया, अब मेरे को 6,000 भरना है, तो जब आप लोग बोलते हैं पेमेंट करो पेमेंट करो, फिर हम पेमेंट करते हैं, तो जो हमारा पैसा है ना, इनका एक दूसरा अकाउंट है, एक देने वाला अकाउंट है और एक लेने वाला अकाउंट है, तो हाँ वो लेने पहले वाला से अकाउंट जो रहता रहता वो ये रजिस्टर्ड किया हुआ है इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। क्या नाम से ट्रक किया है, चैरिटेबल है। ट्रस्ट। तो हम जो पैसा पेड करते हैं वो हम डोनेट कर रहे हैं किसको, वो चैरिटेबल ट्रस्ट को, ठीक है। तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट को जो पैसा हम डोनेट कर रहे हैं, हमने आपका लोन नहीं चुकाया है, बिल्कुल। हमने आपको पैसा डोनेट किया, यानी वो पैसा हो गया वाइट, क्योंकि ठीक है। जो पूरे इंडिया में पैसा आएगा वो पूरा वाइट होते जाएगा इनका। फिर वाइट होने के सही। बाद में जो बड़े बड़े फाउंडर रहते हैं, वो फाउंडर उनको पैसा वापस कर देते हैं, जो भी उनको कमीशन मिलता है। जैसा सपोज 50 करोड़ का टर्नओवर किया है, दस हाँ करोड़ रुपए वो इनको अपने इंडिया का जो बड़ा फाउंडर है उसको मिल जाते हैं, बाकी पैसा उसका व्हाइट हो जाता है। यानी ये पैसे को व्हाइट करने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। अब मेरे बिल्कुल भाई बिल्कुल। भाई थे आप, इसलिए मैंने फोन कर दिया। वो क्या, मैंने अरे अभी यार। रिकॉर्डिंग सुनी आपकी, वो जो सरदार जी, देखो क्या है, कोई भी लोगों का प्रॉब्लम रहता है। अभी एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया, अभी 2 दिन पहले अभी पेपर में आया है, अपना चेंबूर में लगे तो आपको भेजता हूँ उसका, ये भेजता हूँ। क्या जी जी है, देखो कंपनी का पैसा डूब भी गया तो कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ सुनो नहीं मेरी है भाई। बात। देखो एक बार बताओ, इनका जो हाँ लोन बताया, मैं बता दूं अंदर की हाँ बात। होता क्या है, इनके पास जो एप्स है वो कम से कम 12 एप्स ये लेकर घूम रहे हैं चाइना के। ठीक बराबर, सही बात। है, इसमें होता है क्या है, जैसे 7 दिन के लिए जो लोन देते हैं, लोन देने के बाद ये करते क्या है कि जैसे कुछ पैसा, 1 दिन का पेनाल्टी लगा दिया, ओवरड्यू चार्जेस लगा दिया, है ना। हाँ बस, सही ये बात। सच में ऐसा बहुत गलत चीज है कि भाई जब बंदा पेनाल्टी भर रहा है तो उसको पेमेंट नहीं मंगाना चाहिए, वो अपना नहीं पेनाल्टी उसको फोर्स करने ही नहीं चाहिए, है नहीं ना। नहीं 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 पर ये सही लोग बात, क्या करते हैं, उसको जल्दी जल्दी प्रेशर करके पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो। सही बात, इसके सही बाद बात। हाँ, इसके बाद होता क्या है, जो आप जितने भी ऐप से पैसा दे रहे हो, अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हो तो इसमें आपका सिविल कुछ खराब नहीं होता है। इनके नहीं, कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। वो अगर सब आपको सब पता है, वो सब पता है, हाँ, मुझे तो और पता पता है है, सब सब। अगर आपको लोन लेना भी है, मैं वो फेक आपको बता दूं, फेक कुछ नहीं कॉन्टेक्ट से करना है। लेना पड़ता, पता है हाँ मुझे। बस कुछ नहीं करना है, बस एक आप सिम निकलवा लो दूसरा, और आप पैन बराबर कार्ड आधार कार्ड कुछ भी लगाओ, क्योंकि सही इनके पास बात। जो पैन कार्ड आधार कार्ड है कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, नहीं, कुछ भी इनका नहीं कोई होता है, वैल्यू नहीं है, इनको सिर्फ कुछ पैसा भी। डोनेट करने से मतलब है बस। हाँ आप कितना भी पैसा उठा सकते हो, बस ये आपको पैन कार्ड वो आधार कार्ड तो लगा दो, पैसा लेते मालूम रहो। है, मुझे वो सब पता है, वो मेरे को पूरी सेटिंग भी पता अच्छा। है, मुझे सब पता है। उसके फंडे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बंद करना पड़ता है अपने इसकी, मोबाइल की, गूगल की। उसके बाद में अपने ओरिजिनल नंबर है उसको कैसे हटाना वहां से, दूसरी बार उसका इंस्टॉलमेंट करके फेक दूसरा नंबर, नंबर है, वो अच्छा सब मालूम है मुझे, मैं उसका मास्टरमाइंड हूँ। हम लोग कम से कम बहुत बड़े मास्टरमाइंड, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपने इंडिया में कोई आत्महत्या नहीं करे, अरे बिल्कुल भले बिल्कुल यार, भले लोन लिया हो, दे दो साले को, क्या अरे 1,000 2,000 की कोई बड़ी बात नहीं, क्या 1,000 2,000 ही बिल्कुल मांग रहे थे। तो एक लड़की ने अभी सुसाइड कर लिया है, उसको अब मैं भेजता हूँ आपको, लगे मैं उसको डायरेक्ट वीडियो भेज देता हूँ आपको, आपने देख लेना वो। तो इसी मैंने अभी मैंने सुनी है, मेरे वो थे अंकल, तो उसको आप बुरी बुरी गाली दे रहे। देखो अरे गाली यार। सुनो मेरी बात तो सुनो, गाली आप दे रहे हो तो किसके लिए दे रहे हो, कंपनी के लिए दे रहे हो, हाँ यार आपको तो उतना ही पेमेंट मिलना है, चाहे उसको गाली बिल्कुल दो, वो भाई, एक पेमेंट बात बताओ, दे मैं ना उसको दे, बिल्कुल नहीं, मैं उनको नहीं जानता, वो हमें नहीं जानते। देखो वो आप पेमेंट दे ना दे, आपको तो पेमेंट मिलना ही है, ठीक है, थोड़ा सही बहुत बात। कमीशन बढ़ जाएगा अगर इन्होंने पेमेंट कर दिया तो। अगर गलती से किसी ने आत्महत्या कर ली तुम्हारे टॉर्चर के वजह से, तो कंपनी हाथ खड़े कर देंगी, कंपनी बिल्कुल सीधा बिल्कुल बोलेंगी कि मैंने इसको बोला निकाल, लिखा है गाली देने का, इसने अपने कमीशन के चक्कर में ये लड़की को हरेसमेंट किया है, तो इसने आत्महत्या कर ली, 307 की कलम लगेंगी, 10 साल के लिए तो अंदर चले जाओगे, तो तुम्हारे घर वाले क्या खाएंगे बेचारे, वो तो भूखे मर जाएंगे। सड़े हुए 6,000 रुपए के, दो छह 6,000 और कमीशन मिलेगा 500 रुपए, 6,500 रुपए के लिए एक लड़की की आत्महत्या कर ली, और तुम्हारे को कोर्ट में कितने पैसे लगेंगे, कम से कम 5 लाख रुपए से तुम टूट जाएंगे कोर्ट में, और सजा लग गई वो अलग, कंपनी क्या अरे वो तो हाथ ऊपर कर देंगे, तुम दिमाग देखते बैठोगे अपना अभी तो। मैं ऑफिस में इतना पैसा क्या होता था, इतना मतलब लीक हो जाता था डॉक्यूमेंट नहीं पूरा, सही बात है, है ना, हाँ पूरा भरोसा पैसा लीक हो जाता था। बहुत लोग भरोसा तो पेमेंट करते ही नहीं है। करते नहीं ना, क्योंकि वो सब ब्लैक मनी है, उनको भी फर्क नहीं पड़ता कंपनी वाले हाँ को, अगर हाँ उनको ये पता है मैं 40-50 करोड़ लगाऊंगा तो मेरे अकाउंट में 30 ही करोड़ आना है, उसको सब पता है,
हाँ उसको सब पता है। अब ये क्या होता है कि जो जैसे कस्टमर कोई भी अगर मतलब नंबर डालता है तो उसको गूगल से जो जितना भी कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है वो सब आ जाता है। वो एक कर लेता है, वो एक कर हाँ लेता है, वो एक कर लेता वही से उसी का एक बार प्रेशर दिखा के लोग है। पेमेंट वो कराते हैं, बाकी कुछ नहीं है, मैं खुद ही छोड़ दूंगा यार एक दिन मैंने अच्छा आप कर लो यार, क्या है यार रोज रोज की गाली दो लफा। लोगों को। अब अरे देखो बहुत अगर सुनो अब आप मैं सो पता है बीटेक करके इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से किया है, बट ये मेरी मजबूरी है, मैं बता जॉब कर रहा अभी हूँ क्या कोरोना वायरस की वजह से एक्चुअली जॉब नहीं ना, इसलिए आप कर मतलब रहे किसी हो। से। हाँ बस ये मजबूरी, मुझे एक महीना नहीं हुआ यहाँ पे जॉब किए हुए। अब क्या है ना यहाँ पे बस साले ये मारे जो अनपढ़ गंवारों साथ बैठ के बहन चोद ये बोलते कि साले गाली दो, जो जितनी अच्छी गाली दे पाओ बहन जो। हमने इसमें क्या कौन सा मादा चो पैसा ऐसा देते क्या यार, कुछ कुछ भी मतलब नहीं, कुछ भी नहीं। हमने के कस्टमर से अच्छे प्यार से भी बात कर सकते वो तब ये तो पेमेंट कर देते हैं ना, तो अरे मतलब आप देखो रात भर आपको यार नींद नहीं आती, आपको कोई ख्याल रहता है साला मैंने इसको गाली दी उसको गाली दी। अब देखो हाँ रात को मतलब 12 बजे मैंने भाई आपको कॉल गलत कर ही चीज, दिया ना। गलत चीज है, बहुत गलत चीज। देखो मैं तब भी रिसीव करता हूँ, कोई भी कॉल आता है ना हाँ भले वो कितना भी हो मैं रिसीव जरूर करता हूँ, क्योंकि पता नहीं किस उसमें हूँ। ऐसा नहीं है मैं वैसे सच में बहुत लोगों को पैसा माफ कर दो, किसी का कोई प्रॉब्लम आ गया तो मैं कहता हूँ ठीक है भैया कल पे कर देना, 2 दिन बाद कर देना, हाँ कोई तीन दिक्कत दिन नहीं, बात कोई सी भी खराब नहीं कर होगा, आराम से रहो जियो जिंदगी यार, ले लिया रहे तो जिंदगी। हाँ मैं बोल देता हूँ मेरा कौन सा जेब से जा रहा है, चला चाइना के लिए मैं क्यों भला करूँ इतना तो आप एक काम मारने। कर रहे हो, यूट्यूब देखते हो ना हाँ उस पे ए नेटवर्क करके देखना, शायद देखा होगा आपने कभी। ए नेटवर्क, हाँ डबल ए नेटवर्क, डबल ए नेटवर्क, ओके ओके ये वीडियो देखना, इसमें आज आत्महत्या के भी बारे में बताया है, बिल्कुल और बिल्कुल। आपके सेफ्टी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ आप वो अरे जॉब यार छोड़ थैंक दो यू, प्लीज। अरे थैंक यू ब्रो, बिल्कुल 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 मैं ये सब गलत काम ही नहीं करूंगा, मैं सच में छोड़ दूंगा, मुझे अच्छी कोई कंपनी मिल गई मैं तुरंत छोड़ दूंगा। आप अच्छी कंपनी में रहो, और सॉरी मैंने आपको गालियां दी इतनी तो अरे कोई अरे भी कोई नहीं, अरे नहीं। अरे कोई नहीं भाई, वो चलता है यार। देखो यार ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको नहीं जानते, बट ये थोड़ा आपसे बात करके अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। और ये बाकी कुछ होगा तो मैं बताऊंगा आपको, ये नंबर सेव कर लूंगा, अगर नंबर मैं सेव लोन कर लो, और थोड़ा लोन सा बिल्कुल देखो हम क्या कर रहे हैं, एक जनता की आवाज करके एक बहुत बड़ी टीम है। हाँ। और मैं बताऊंगा हाँ जिसमें लोन उनके लिए मैं सोच रहा हूँ हम भी खुद ही कम से कम ले लूँ तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जितना कमा सको तो सही अच्छी ये बात है। देखो अब ये सब बंद हो जाएंगे 1 साल के अंदर, जितना लपेटना हाँ है फेक नंबर डाल के लपेट लो। बस 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 अच्छा ये ये एक बात अपना। बताओ यार, ये समझो आपने 3 कंपनी से लोन लिया और 3 कंपनी का समझो ओवरड्यू हुआ, उसके बाद कंपनी लोन क्यों नहीं देती है, इनका सबका टाइप है एक साथ में। हाँ इनके सारे जो जितने भी 12 ऐप्स हैं वो 12 के 12 इन्हीं के हैं, इन्हीं के इनके ये सब पूरे के इन पूरे हैं। माई लोन बढ़े, ये हाँ डबल सब लोन सब लिक्विड सब, के सब इन्हीं के हैं। तो उनको पता चल जाता है इसने लोन अभी चुकाया नहीं करके। अब हाँ जैसे पेनाल्टी लेट हो गई या कुछ हो गया तो उस चक्कर में फ्रीज कर देते हैं वो साले अच्छा, अरे जो भी लपेटना बस 6 दिन के अंदर लपेट लो छह दिन में लपेट लो जितना लपेटना हो, ये चीज है। उसके ऊपर। एक ही में जितने 12 साथ एक साथ लोन ले लो कम से कम हाँ 50-60 हज़ार रुपये भी भूल जाओ, छोड़ दो 5 लोन, ये चीज है, ये बात ये तो चीज सही है आपकी, ये बात सच। चलो चलो बस थैंक यू। एक ही बार कर सकते हो ये है। और वहां से डाटा हटाने के लिए कुछ बताओ यार, कोई लेडीज बहुत फंसी हुई है यार उनके रिश्तेदार लोग। डाटा हटाने के लिए तो मैं डाटा हटाने के लिए तो यहाँ से तो कुछ नहीं हट सकता, बट ये है कि मैं यहाँ से रिमाइंडर पे दूंगा तो खत्म, वो कुछ होता नहीं है, कुछ परेशान ना हो, नहीं, कुछ वो भी तो नहीं। है, वो होता तो हाँ ना कुछ ना नहीं ना है, कोई एक ना आधी सिर्फ सीरियसली लेडीज बेचारी वो क्या हाँ, रिश्तेदार अरे को नहीं कॉल करते हैं उनको तो। आप मेरे को उनसे बात करा दीजिएगा, नंबर दे दीजिए, मैं उनको समझा दूंगा अच्छे से, कुछ नहीं अच्छा होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना सिविल खराब, इनकी औकात नहीं कि सिविल खराब करता नहीं है। नहीं वो तो मैंने सिविल स्कोर चेक किया अभी तो वो अपडेट नहीं हो रहा है उसका। हाँ नहीं सिविल भी कुछ नहीं होगा, मैं हूँ कोई दिक्कत नहीं, कंपनी भी तो लीगल होनी चाहिए, वो लीगल हाँ चला रहे साले क्या सिविल हाँ खराब करेंगे। कंपनी लीगल रही तो वो तो सब ना हो जाता है। अब देखो मेरा बजाज से लोन चालू, आज तक का एक फोन नहीं किया ना गाली नहीं दी कभी, अरे वो इंडिया तो बुल्स है से चालू बड़े है, इंडिया बुल्स वो, वाले भी बहुत अच्छे हाँ हैं। पैसा बजा पॉलिसी बजा आप ये हाँ सबसे ले लो, बराबर सही बात कभी कुछ नहीं होगी, साले सब चाइना कंपनी इनका फायदा करा रहे देश को, बर्बाद हम कर तो ये रहे देख रहे अपना। बर्बाद कर रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं बड़ी बड़ी जो कंपनियां उनको लोन लेने नहीं पड़ रहे, उनको फाइनेंस कम हो रहा है, सही बात पर है। ये चीज को कौन जाने समझे। नहीं वो लड़की का आज उसने सुसाइड कर लिया बेचारी ने, 22 साल के 24 साल की थी वो, और अरे मात्र कितने के लिए पता है आपको, एक कंपनी का 5 हजार का लिया था, उसका छुपाने के लिए दूसरे कंपनी का 3 हजार का लिया, उसका बाद में वो 3 हजार का लिया, बस अरे यार 11 हजार रुपए के लिए उसने बेचारी सुसाइड कर लिया। अरे बहुत गलत चीज है, ना जाने इतने कितने लोग परेशान होते होंगे, घर से जूझ रहे होंगे, साला हम लोग अपने टारगेट के चक्कर में बहुत साला वही बहुत, हम वही ही क्या मतलब बहुत हरामी रामी लोग पड़े हैं, उनको शायद इस चीज का नॉलेज कभी हो भी नहीं पाएगा।
अरे इनका प्रॉपर ऑफिस रहता है कि ये अलग अलग जगह पर से कॉलिंग करते हैं? नहीं नहीं यार, इनका पता है पांच ऑफिस है। ऑफिस रहता है इनका, है ना? हाँ ऑफिस रहते हैं कम से कम एक ऑफिस में, बिल्डिंग में 25-2500 लड़का वाह, लड़कियां। इतने सारे! हाँ अरे ये कम से कम डेली का 1 मिलियन ट्रांजेक्शन कर देते हैं, बाप रे! ओके, अच्छा डेली कलेक्शन करते हैं इसी चीज का। अच्छा 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 ये सोच लो बहुत बंदा लोन लेने वाला, बहुत लोन लेने तो वाला। इनका एड्रेस नहीं मिल सकता क्या अपने को ऑफिस का? ये पूरा बहुत पूरा एड्रेस है, मतलब ये समझ लो आप, इनकी एक ऑफिस नहीं, नोएडा में भी है, दिल्ली में भी है, PS5 में भी है, 3-4-5 ऑफिस अलग है, इनका पता नहीं लगा है। सकते उसका। कंपनी का नाम नहीं पता इनको, ना कोई रजिस्टर, ना कोई GST, ना कुछ बस कुछ हाँ, नहीं। बस बैठा दिए और चलन दो, हाँ उसी पे ये लिस्ट है और वो मारते जा गोली। ना, वो मोबाइल में सब अपडेट हो जाता है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर दे रखा है ना, उसी अच्छा, सॉफ्टवेयर से सब कुछ होता है। हाँ तो कंपनी में उसको उनका नंबर देती होंगी कि अपने नंबर से पेलते हो? ना हाँ साले मारे चोरी का अपने नंबर से पेल ना होता मैं वैसा गलती मत करना, अपने है। नंबर हाँ से कॉल मत करना कभी, कहते फंस बिल्कुल, जाऊंगे आगे एक आध बार। हाँ ये नहीं मैं, तुम क्या करा करो, दूसरा नंबर वो बोलना हमारे नंबर से नहीं करते हम, तुम तुम्हारा नंबर दो, तुम्हारा ही अरे मोबाइल दो, तुम्हारा ही नंबर दो, हमारा कुछ नहीं देंगे इसमें बेंचो। हाँ यार यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या करते, मोबाइल भी इंसान ने तो सीखा है, नंबर भी उसी का, कॉल भी और सब कुछ उसी का, सब रिचार्ज कुछ भी उसी का, सब कुछ उसी का, बस सैलरी है महीने की बेकार चलो छोड़ो, जान दो, अगर आपको कुछ से। आगे बड़ा काम करना है तो हमसे फोन करो आप, बड़ा काम करना बिल्कुल है कोई तो अरे बिल्कुल यार, कोई विषय नहीं है, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप भी हमारा सपोर्ट अरे अरे करो। बिल्कुल 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 भैया, मैं नंबर सेव कर लेता। क्या नाम है आपका? मेरा मालविया करके सेव कर लो आपको। मान लिया, ओके ओके ठीक है सर, बिल्कुल मैं आपसे बात करता रहूंगा बीच बीच चलो में। कोई बात नहीं, आप कौन से क्या वो कौन से वो, मैं तो ये पूछा ही नहीं, मनी बॉक्स है क्या, कौन सा बॉक्स है आपका? मेरा लिक्विड कैश का भी है, मनी हाँ बैंक का भी है। अच्छा, और हाँ कम से कम अगर आप लोन लेना किसी के भी बंदे से, अकाउंट से, अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लोन लेना, तो 12 के 12 ऐप्स को एक साथ में लोन लेना। एक ही साथ में ले लो, दबा दो, है ना? हाँ बस, और बस टाइम मत लगाना, 7 दिन, बस सीधी बात है। 6 दिन के अंदर दे दो। हाँ कम से कम ये आपको मिल जाएगा 12-12-36-40 हज़ार रुपये तक फायदा हो जाएगा आपको। चलो थैंक यू यार भाई, चलो ठीक है ओके, सो जाओ यार, तुम्हारी नींद खराब कर दी बेकारी। चले कोई नहीं कोई नहीं, ओके भाई गुड नाइट।